नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान जीके का एक नंबर का क्वेश्चन सही करवाने के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आप इस वीडियो में जो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से अवश्य आएगा। ध्यान रखना, पटवारी रीट राजस्थान पुलिस का जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। है इजी टॉपिक, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो हम कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ। देखो, राजस्थान के कुछ ऐसे भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थान हैं, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला बांगड़। पहला क्या है? बांगड़। आपका जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो बांगड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जहां से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से होकर निकलती है, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा भी था। आगे देखिए, बांगड़ है, ये बांगड़ है, बंगड़ 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 अगर शब्द आ जाए तो आपका जो शेखावाटी वाला जो इलाका है, पाली नागौर सीकर और झुंझुनू, ये वाला जो इलाका है वो बंगड़ के नाम से जाना जाता है। जिसके ऊपर बिंदी आए वो शेखावाटी एरिया है, और जिसके ऊपर बिंदी ना आए वह के ऊपर वो बांगड़ वाला इलाका है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र बांगड़ कहलाता है, और बांगड़ पाली नागौर सीकर और झुंझुनू वाला जो एरिया है वो बांगड़ के नाम से जाना जाता है। अब आता है विद्यार्थियों थली। थली है मरुस्थल का जो ऊंचा भाग होता है, मरुस्थल में जो ऊंचा भाग होता है, मरुस्थली जहां पर है राजस्थान में, जहां पर जो ऊंचा इलाका है उसको हम थली के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जिसमें थली आपका जो है जैसलमेर वाला जो इलाका है, यहाँ पर पाई जाती है क्या? थली। और ध्यान रखना, जो ऊंचे स्थानों के बीच में जो बालुका स्तूप जो बने हुए हैं, इन बालुका स्तूपों के बीच में जो गड्ढे वाली जो जगह है उसको तल्ली के नाम से जाना जाता है। और जब इसमें पानी भर जाता है तो इसको प्लाया झील के नाम से भी जाना जाता है। तो थली क्या है? मरुस्थल के ऊंचे भाग जो है वो थली के नाम से जाने जाते हैं। और तल्ली क्या है? बालुका स्तूपों के बीच में जो गड्ढे वाली जगह है, जहां पर पानी भर जाता है, उसको हम तली के नाम से जाना जाता है। है इजी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ध्यान रखना, जिसके ऊपर बिंदी आए वो आपका शेखावाटी एरिया है, और जिसके ऊपर बिंदु नहीं आए वो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो दक्षिणतम भाग है, जो कि मालवा के पठार का विस्तार है, वो है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद आता है विद्यार्थियों राठी। राठी वाले क्षेत्र कौन से हैं? जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कुल मिलाकर की बात यह है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है, जिसमें आपका जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, ये आपके जो बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर जो कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से कम वाले इलाके हैं, इनको राठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राठी क्षेत्र कहा जाता है। देखो, राठी आ जाए तो मरुस्थलीय इलाके करने हैं, लेकिन राठ आ जाए तो राठ है जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर वाला जो क्षेत्र है वो राठी राठ क्षेत्र कहलाता है, अहिरवाटी क्षेत्र कहलाता है। राठ या अहिरवाटी पूछ ले तो जयपुर और अलवर करना है, और अगर आपसे राठी पूछ ले तो बीकानेर जैसलमेर और बाड़मेर करना है। ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों आपको। नेक्स्ट, राठी और राठ में डिफरेंस समझ में आ गया?
नेक्स्ट देखिए माल, माल क्षेत्र कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र को, और हाड़ौती क्षेत्र का नाम ध्यान रखते ही आपको याद रखना है कोटा बूंदी वाला जो इलाका है वो माल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है मालव आ जाए तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल का पठार है जो कि मालवा के पठार का विस्तार है, उस मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान के प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ वाला जो इलाका है जो कि एमपी के मालवा के पठार का विस्तार है उसको मालव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो माल आ जाए तो माल इसका मतलब है हाड़ौती क्षेत्र कोटा और बूंदी, और अगर आपसे मालव क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों प्रतापगढ़ और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उस एरिया को हम मालव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल की पठारी का जो विस्तार है विंध्याचल का जो पठार है जो कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है उस प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से माने जाते हैं और इसी क्षेत्र को मालव के नाम से जाना जाता है। ठीक है तो आपने देखा। उसके बाद आते हैं शेखावाटी। शेखावाटी का नाम ध्यान रखना है आपको, क्या आपको ध्यान रखना है चूरू सीकर और झुंझुनू और नागौर का थोड़ा सा जो पश्चिमी इलाका है वो आपके शेखावाटी एरिया के अंतर्गत आता है। तो शेखावाटी में चूरू झुंझुनू और सीकर का नाम आपको ज्ञात रखना है। उसके बाद आता है तोरावाटी। आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी जो कि आंतरिक अपवाह वाली नदियों में से मानी जाती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। और कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उस अपवाह क्षेत्र के आसपास वाला जो इलाका है उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। चूरू और झुंझुनू वाला जो कांतली नदी के समानांतर वाला जो एरिया है उसको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना तोरावाटी आ जाए तो चूरू और झुंझुनू वाला जो आपका कांतली नदी के अपवाह के आसपास वाला जो इलाका है उसको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं, और कांतली नदी आंतरिक अपवाह वाली नदियों में से एक मानी जाती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। उसके बाद आता है विद्यार्थियों मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही था। राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ। कौन सा था? मत्स्य संघ। और इस मत्स्य संघ में आपके अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली वाला जो इलाका था विद्यार्थियों वो किसके अंतर्गत आता था? वो आपके किसके अंतर्गत आता था? मत्स्य संघ के अंतर्गत आता था। उसके बाद आता है मत्स्य। अलवर का जो दक्षिणतम भाग है विद्यार्थियों अलवर का जो दक्षिणतम भाग है उसको हम मत्स्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है मेवा। अलवर और भरतपुर वाला जो इलाका है उसे हम मेवात क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों में मेवात और मेवल। मेवात आ जाए तो ध्यान रखना है जहां पर मेव जनजाति रहती है, मेव जनजाति अलवर और भरतपुर में सबसे ज्यादा रहती है और इस इलाके को हम मेवात कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे मेवल पूछ ले तो विद्यार्थियों आपको करना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो इलाका है उसे मेवल कहा जाता है, जबकि अलवर और भरतपुर वाला जो इलाका है उसे मेवात के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों बीड़। बीड़ क्या है? बीड़ है शेखावाटी एरिया में पशुओं के लिए जो चरागाह हैं, उनको हम बीड़ के नाम से जानते हैं। इसके नाम से बीड़ शब्द आ जाए तो ध्यान रखना शेखावाटी क्षेत्र में चरागाहों को बीड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बीहड़। बीहड़ और डांग क्षेत्र ध्यान रखना चंबल नदी का जो अपवाह है, चंबल नदी जहां पर सबसे ज्यादा कौन सा अपर्दन होता है विद्यार्थियों? अवनाली का अपर्दन।
अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा कौन सी नदी से होता है? चंबल नदी से। और अवनालिका अपरदन के आसपास वाला जो बीहड़ जंगली क्षेत्र है, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, जो कि जंगली इलाका है, उस एरिए को हम बीहड़ या डांग क्षेत्र कहते हैं। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला जो इलाका है, उसे बीहड़ या डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बीड़ आ जाए तो शेखावाटी के चरागाह है, और बीहड़ या डांग क्षेत्र आ जाए तो अवनालिका अपरदन के आसपास वाला जो बीहड़ जंगल है, उस एरिया को हम कहते हैं बीहड़ या डांग क्षेत्र। सवाई माधोपुर और करौली वाला जो इलाका है, वो बीहड़ और डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है विद्यार्थियों बोराट। क्या आता है? बोराट। और एक वर्ड आता है आपके सामने, बोमट। क्या? बोराट और बोमट। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, गोगुंदा की पहाड़ी, नाम सुना होगा गोगुंदा। गोगुंदा की पहाड़ी पड़ती है आपके उदयपुर में, और कुंभलगढ़ की पहाड़ी पड़ती है आपके राजसमंद में। कहाँ पड़ती है? राजसमंद में। उदयपुर की जो आपकी गोगुंदा की पहाड़ी है और कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी है, जो कि राजसमंद में आती है, उसके बीच वाला जो क्षेत्र है, उसके बीच वाला जो क्षेत्र है, उसे हम बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। बोराट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है किस क्षेत्र को? उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से लेकर के राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के बीच वाले एरिया को बोराट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है बोमट। बोमट है उदयपुर का दक्षिणतम भाग, और डूंगरपुर के मध्य के भाग को बोमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उदयपुर का दक्षिणतम भाग और डूंगरपुर के मध्य भाग को बोमट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है विद्यार्थियों आपको। उसके बाद आता है, एक है ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। ब्रजनगर आ जाए तो झालरा पाटन करना है, और ब्रिजनगर आ जाए तो आपको आपका भरतपुर मथुरा नगरी को करना है। तो ब्रिजनगर आ जाए तो भरतपुर करना है, बज्रनगर आ जाए तो झालरा पाटन करना है, जो कि झालावाड़ में है, जिसे घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना है ब्रजनगर और ब्रिजनगर में फर्क। ब्रजनगर झालरापाटन और ब्रिजनगर भरतपुर को आपको करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम्स है उन सब में पूछा जा सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट, LDC, आपके राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, रीट, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उन सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है। राजस्थान का हिस्सा है ये ऐतिहासिक स्थल, और इनके बारे में नॉलेज रखना आपको रखना ही है, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों ब्रिजनगर और ब्रजनगर में डिफरेंस आपको समझ आया। नेक्स्ट आते हैं मेवाड़। मेवाड़ ध्यान रखना है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये जो इलाका है, इस पूरे एरिए को मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कौन से क्षेत्र को जाना जाता था? आपके मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा वाला जो इलाका है, उसे मेवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये है आपका मेवाड़ा। अजमेर को राजसमंद से अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं, उसे हम मेवाड़ा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों समझ आया? तो आपको ये क्षेत्र और इनका ऐतिहासिक महत्व, इनकी स्थिति, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है योद्धे। योद्धे क्या है? गंगानगर और आपका हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है,
उसको योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। योद्धे क्या है? गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले इलाके को योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जगह को योद्धे क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है जांगल क्षेत्र, बीकानेर और जोधपुर वाला जो इलाका था उसे जांगल नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है अईछत्रपुर, अईछत्रपुर कहा जाता था नागौर को। किसको कहा जाता था? नागौर को अईछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। संपाद लक्ष्य, अजमेर वाला जो इलाका था उसे संपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। ढूंढाड़ आप जानते ही हो, ढूंढाड़ वाला जो इलाका है, जयपुर वाला जो इलाका है उसे ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। सूरसेन, अलवर वाला जो इलाका है उसे सूरसेन के नाम से जाना जाता था। भीनमाल आपका जालोर वाला, जालोर वाला जो इलाका था उसे भीनमाल के नाम से जाना जाता था। और माना जाता है कपिल मुनि भी भीनमाल आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने साधना की थी, ये माना जाता है। तो भीनमाल जालोर को किस नाम से जाना जाता था? भीनमाल के नाम से जाना जाता था। शिवी आपका जो मेवाड़ वाला, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है उसे हम शिवी के नाम से जाना जाता था। और शिवी की राजधानी थी मध्यमिका, क्या थी? मध्यमिका इसकी राजधानी थी। उसके बाद आता है चंद्रावती, सिरोही को चंद्रावती कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था सिरोही को? चंद्रावती। भीनमाल, जालोर, शिवी, मेवाड़। जबालीपुर कहा जाता था जालोर को। किसको कहा जाता था? जालोर को कहा जाता था। मालानी क्षेत्र बाड़मेर वाले इलाके को कहा जाता था। मांड क्षेत्र जैसलमेर वाला, मांड गायिका के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता था। और जैसलमेर का जो चारों ओर वाला इलाका है, जैसलमेर के पूरे इलाके को, चारों तरफ के इलाके को वल्ल के नाम से भी जाना जाता था। हलाहल, कोटा और बूंदी के नाम को हया हये के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बोर्ड पर लिखे हुए जितने भी नोट्स हैं उनको कॉपी में नोट डाउन करना, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक प्रश्न इनमें से जरूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को और आगे के अपडेट्स के लिए आप नव भारती सर्कल पर जरूर जुड़े रहना। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ, वो देखिए। पहला है आपका बांगड़ क्षेत्र। बांगड़ का ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वो बांगड़ क्षेत्र है। इसके अलावा बांगड़ के ऊपर अगर बिंदी आ गई तो पाली, नागौर और सीकर और झुंझुनू वाला इलाका है। थली, मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ इलाका है उसे थली के नाम से जाना जाता है। और जो बालुका स्तूपों के बीच में जो गड्ढे वाला क्षेत्र है उसे हम तल्ली के नाम से जाना जाता है। और जब इनमें पानी भर जाता है तो इनको प्लाया झील के नाम से भी जाना जाता है। राठी क्षेत्र, जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो इलाके हैं उन्हें राठी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र को राठी के नाम से जाना जाता था। राट या अहिर, अलवर व जयपुर वाले इलाके को राट या अहिरवाटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। माल क्षेत्र, हाड़ोती क्षेत्र को कहा जाता है। कोटा और बूंदी इसके अंतर्गत आते हैं। मालव क्षेत्र, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला जो इलाका था विद्यार्थियों उसको मालव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो इलाका है उसे बांगड़ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो इलाका है उसे सेखावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी, कांकली नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। देखा आपने? अब आप देखिए, मैं एक बार आपको राजस्थान के मैप को, दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक बार आपको ये बता रही हूँ। एक बार आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। आपने देखा सबसे पहले ये जो आपका गंगानगर है
और ये आपका हनुमानगढ़ है। इन दोनों क्षेत्रों को योद्धे के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? योद्धे के नाम से जाना जाता था। आपका जो बीकानेर और जोधपुर, ये आ गया आपका बीकानेर और ये आ गया आपका जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर वाला जो इलाका था, इसे जांगल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जांगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आपका सबसे बीच का जो अजमेर है, इस अजमेर को संपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था। और अजमेर से ऊपर आपका जो नागौर है, इस नागौर को अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। आपका जो ये उदयपुर है, इस उदयपुर को शिवी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपका ये जो डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा है, इसको बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आपने देखा आपका आ गया चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों जो एरिया है इनको हम शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और झुंझुनू और सीकर के बीच में, चूरू के बीच में जो एक नदी बहती है, कांतली नदी, इसके आसपास वाले एरिया को तोरावाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इसकी तरफ, आप आ जाइए जालोर, इसकी तरफ बाड़मेर आ गया, फिर आ गया आपका जालोर। जालोर को किस नाम से जाना जाता था? भीनमाल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? भीनमाल के नाम से जाना जाता था। और उदयपुर से राजसमंद की जो पहाड़ियां है, उसको बोराट के नाम से जाना जाता था। उदयपुर और डूंगरपुर की जो पहाड़ियां है, उसे बोमट के नाम से जाना जाता है। पढ़ा आपने। इसके अलावा आपने देखा मेवात, अलवर और भरतपुर वाला जो इलाका है, उसे मेवात के नाम से जाना जाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले इलाके को मेवल के नाम से भी जाना जाता है। इधर देखिए आप, झालरापाटन झालावाड़ में है, इस झालरापाटन को ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता था। और ब्रिजनगरी के नाम में आपका भरतपुर आता ही है। हया है क्षेत्र कोटा बूंदी वाले क्षेत्र को माना जाता था। तो इस वीडियो में आपने भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थलों की वर्तमान स्थिति को समझा। आगे के वीडियोस में राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपके चलते रहेंगे। इसके लिए आपको नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सके और कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उसको आप क्रैक कर सके। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए रेगुलर पढ़ना होगा, रेगुलर स्टडी करनी होगी। और नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।